बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। रियाद शहर से कुछ पिक्चर वायरल हुई हैं जी, यहाँ पर साथ में आपको दिखा भी देता हूँ और इनके मुतलक जो कहा गया है कन्फर्म न्यूज़ है, यानी कि ये क्या देखने में आया और क्या था वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ मैं। पहली बात तो ये बता दूँ, कल ही मैंने आपके साथ एक वीडियो शेयर की रियाज में ट्रिक जता, यानी कि रियाज में जो आप रियाज इंटर होते हैं तो चढ़ाई आपको जो मिलती है वहाँ पर सैकड़ों की तादाद में गाड़ियों का आपस में एक्सीडेंट हो चुका था। और उसके बाद दूसरा वाक्य पेश आया जी रियाज एयरपोर्ट के ऊपर, यानी कि इतना रश था आवाम का कि भाई लाइनें लगी हुई थी, हालांकि कोई किसी किस्म की फ्लाइट भी डिले नहीं हुई थी। वो दोनों वीडियो शेयर कर चुका हूँ। और ये तीसरा वाक्य कल ही रूनमा हुआ है रियाज में, यहाँ पर आपको पिक्चर दिखा रहा हूँ मैं। पिक्चर में आप एक तो ये पिक्चर खींची गई है जी, और दूसरी पिक्चर में अभी आपको दिखा देता हूँ मैं, जो कि जूम करके बनाई गई है। जब ये जूम करके बनाई गई है उसमें फिर वाजह हुआ है जी कि एक परिंदा नुमा ऐसे बादल बना हुआ है और उसके ऊपर एक जैसे कि बच्चा बैठा हुआ है। कुछ तो मैंने ऐसे भी देखा है सोशल मीडिया के ऊपर, कुछ ऐसी खबरें भी आईं कि जैसे कि कोई फरिश्ता वगैरह हो या कोई और मखलूक हो जो किसी परिंदे के ऊपर बैठी हुई है, और देखने से बिल्कुल लग भी ऐसे रहा है। आपको यहाँ पर बड़ी करके दिखा रहा हूँ मैं, लेकिन ये जब इसके मुतलक डिटेल आई है जी, डिटेल में सिर्फ यही कहा गया है कि ये एक बादल की टुकड़ी थी जो कि जिसकी बनावट हवा से ऐसी बन गई कि वो एक परिंदा नुमा लग रही थी और उसके ऊपर जैसे कोई बच्चा बैठा हुआ है। लेकिन चाहे बादल से ही बनी हो, चाहे हवाओं ने बादल को ऐसा बना दिया हो, लेकिन बनता तो जो भी होता है खुदा की मर्जी से होता है। तो हो सकता है भाई ये कोई एंगल वगैरह, यानी कि कोई एंगल ऐसा बना हो जो कि शायद कोई खलाई मखलूक वगैरह हो या कोई फरिश्ता वगैरह हो। बहरहाल जो भी था जी, मैंने आपको दिखा दिया। आपकी इसके मतलब क्या राय है मुझे कमेंट में जरूर।